नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन कुमार पांडे और आज हम बात करने वाले हैं जीसी जगदलपुर के ऊपर। आज हम टोटली रिव्यू करेंगे जीसी जगदलपुर को। बहुत सारे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जिस पर हम आज रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अगर आपने जीसी से रिलेटेड किसी दूसरे वीडियो को देखा है, उसके थ्रू आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो वीडियो है वो दूसरे जीसीस की तरह ही होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो की तरह पांच वीडियो जीसीस के ऊपर, पांच वीडियो, तीन जीसीस के रिव्यू, एक बेस्ट ऑफ जीसीस और एक प्राइवेट वर्सेस जीसीस के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख पाएंगे, तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते। साथ में मैं इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको हर पॉइंट्स के ऊपर जरूर दे दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इस कॉलेज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वारीज होंगे वो सारे दूर हो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो को NIRF जो रैंकिंग मिली हुई है वो इसकी कितनी है। तो इसकी NIRF जो रैंकिंग है वो है 270, जो भी पिछले 4 साल से कंटिन्यू 270 270 इसको मिल रहा है। और जो करियर 360 रैंक है इस कॉलेज का वो आपको देखने को मिलेगा 4A का, जो एक एवरेज रेटिंग है। तीनों कॉलेज को 4A की रेटिंग करियर 360 की तरह से मिली है। एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी इस कॉलेज की वो है 1983 में। सबसे पुराना कॉलेज तो जीसी बिलासपुर है, उसके बाद ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। कैंपस एरिया है 63 एकड़स का, जो काफ़ी बड़ा है। कॉलेज टाइप जो देखने को मिलेगा वो गवर्नमेंट है, टोटली गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट नहीं है ये। और साथ में ये AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, साथ में NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन की साइड से एक्रीडिएटेड है। इसका मतलब ये NBA क्या है, ये NBA एक ऐसी संस्था है जो कॉलेज को रैंक देती है उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर या तो फिर डिपार्टमेंट्स के एकेडमिक्स को देखकर संस्था को एक रैंक देती है। तो ये अगर NBA एक्रीडिएटेड है दैट मीन्स ये अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। तो अब इस कॉलेज की अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो कॉलेज है वो आपको धर्मपुरा 3 में जगदलपुर के देखने को मिलेगा। PG कॉलेज एक है उसके जस्ट बगल में। तो ये कॉलेज जो है वो आपको जगदलपुर के जो दंतेश्वरी मंदिर से करीबन आपको 7 किलोमीटर के आसपास, और अगर आप इस कॉलेज से उसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की ओर जाएंगे तो वो भी आपको 7 से 10 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपको संस्था है वो CSVTU से एफिलिएटेड देखने को मिलेगी, जैसे कि तीनों GCs हैं। और साथ में अगर आपको इस संस्था के आसपास में या किसी पिलग्रिम्स या टूरिस्ट प्लेस अगर जानने हैं तो इस संस्था से सबसे पास में आपको चित्रकूट, जिसकी दूरी आपको करीबन 45 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी इस संस्था से, और उसी रोड में ही ये कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो कॉलेज है, अगर ये जो संस्था है आपको 69 एकड़स में देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको 63 बोल दिया था, सॉरी, ये 69 एकड़ की संस्था है। देर आर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स, जिसमें कि एक एकेडमिक बिल्डिंग्स में आपके इलेक्ट्रिकल और सिविल लगते हैं, दूसरे में ET&T IT माइनिंग और मैकेनिकल ब्रांच के जो क्लासेस हैं वो लगने वाले हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जहाँ सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स किए जाते हैं। डिपार्टमेंट हैव सफिशियंट नंबर ऑफ रूम्स इंक्लूडिंग रेगुलर क्लासरूम विद स्मार्ट बोर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था दूसरे वीडियोस में भी कि सारे जितने भी क्लासेस हैं जीसी से रिलेटेड वो सारे आपको अभी स्मार्ट क्लास देखने को मिलेंगे, सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको दे दी जाती है। वी हैव इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी, दैट मीन्स जो इस संस्था में जो लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर बहुत, मतलब मेरे को एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं पता, पर बहुत सारे बुक आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जो बुक हैं वो स्टूडेंट्स को उनके जो रेगुलर क्लासेस के लिए या आपके जो रेगुलर सेशन के लिए प्रोवाइड करा दिए जाते हैं विदाउट एनी फी। लैब्स आर वेल इक्विप्ड, हाँ, आपको लैब्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे इस कॉलेज में। लैब्स में सारे इक्विपमेंट आपको देखने पड़ेंगे, मैं इसको लैब्स वाले सेक्शन में डिस्कस करूंगा। सिंस कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 80s, सो बिल्डिंग ऑफ कोर ब्रांचेस इज गेटिंग वेरी ओल्ड, सो न्यू बिल्डिंग आर मेड रिसेंटली एंड स्टूडेंट शिफ्टेड टू। ओके, इसका मतलब है कि ये कॉलेज 80s का कॉलेज है, मतलब जो पुराने बिल्डिंग थे वो काफ़ी क्रैक आ गए थे बिल्डिंग्स में या पुराने हो गए थे, तो इसलिए नए बिल्डिंग्स बने हैं जहाँ पर बच्चे लोगों को अब शिफ्ट कर दिया, डिपार्टमेंट पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। और पुराने जो बिल्डिंग्स थे उनको अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए या स्पोर्ट्स या तो फिर लैब्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। कोर्ट ऑफ कोर्ट और डेवलप्ड ग्राउंड इज नॉट, हाँ, अब यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं कि जो गेम्स होते हैं इस कॉलेज में, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स वाले फैसिलिटी वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज में जो गेम्स होते हैं उसके लिए फील्ड आपको बना दी गई है। एकदम कन्वेंशनल स्टेडियम देखने को नहीं मिलेगा, बैरिकेड्स नहीं देखने को मिलेंगे, आप उस फील्ड में जाकर खेल सकते हैं जो कि इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने आपको देखने को मिलेगा। आउटडोर गेम्स ऑफ द स्टूडेंट यूज ओपन एरिया फॉर द ग्राउंड पर्पस अंडर कैंपस प्लस हॉस्टल आर हाइजीनिक,
हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल, यहाँ का जो हॉस्टल है वो हाइजीनिक आपको देखने को मिलेगा, अच्छा हॉस्टल देखने को मिलेगा, सारी सुविधाएं वहाँ पर दे दी जाती है। इसको भी मैं हॉस्टल वाले सेक्शन में डिस्कस कर दूंगा। साथ में एक और बात है कि हॉस्टल के सामने ही आपको एक और फील्ड बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चे भी हॉस्टल के खेल पाएंगे। बट कैंटीन आर नॉट इवन हैव नेसेसरी फूड्स थिंग्स। अब यहाँ पर आपको हॉस्टल तो बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो कैंटीन की सुविधा होती है वो अभी एक स्टार्टअप है मॉन्स फूड नाम का, उसने अभी टेक ओवर कर लिया है मेस को। तब तो अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन पहले बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां पर आपको पूरी तरह से कर दी जाते थे डिपार्टमेंट के थ्रू। तो अब ये शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहले प्रॉब्लम होता था, पर लेकिन अब शायद आपको देखने को ना मिले। साथ में स्पोर्ट फैसिलिटीज़ की स्पेसिफिकली बात करें तो एक एवरेज स्पोर्ट एटमोसफियर जैसे कि दुबई की कॉलेज में देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये आपको देखने को मिलेगा कि इस कॉलेज में, जैसे कि बाकी जीसीस में, तीनों जीसीस में जो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एनुअल स्पोर्ट कंडक्ट कराया जाता है, उसमें जो जितने भी किट्स होंगे या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, उसके पूरा खर्चा कॉलेज उठाती है। बस आपको मैक्स टू मैक्स एक लेटर लिखना होगा। अब यहाँ पर जितने आप जो बैकग्राउंड में बच्चे देख रहे हैं वो इसी कॉलेज के ही बच्चे हैं, मैंने इस जो इमेज को इंटरनेट से उठाया है। अब इसमें बीटेक, एमटेक और पॉलिटेक्निक तीनों के कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं अभी अगर बीटेक की ब्रांच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 7 ब्रांच देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मैकेनिकल में यहाँ 30 सीट्स हैं, सॉरी, अब मैकेनिकल में यहाँ पर 30 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 30 सीट्स, सिविल में 60, AT&T में 60, माइनिंग में 60 और IT में 30 सीट्स उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अगर हम टीचर्स की बात करें, फैकल्टी की बात करें, तो यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने दूसरे वीडियोस में भी बताया कि जो जीसीस का जो सिनेरियो है फैकल्टीज का, वो सेम रहता है। मैंने इस जो पोर्शन को सारे PPT में कंसिडर किया है कि जितने भी टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे जीसीस की बात है, जितने भी आपको कोर ब्रांचेस के टीचर आपको देखने को मिलेंगे, वो 50% ही देखने को मिलेंगे। टोटल टीचर आपको परमानेंट देखने को नहीं मिलेंगे। अब वो जो परमानेंट टीचर नहीं उपलब्ध कराए जाते, उसके जगह पर आपको एडहॉक या नॉन परमानेंट टीचर उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जो इसी कॉलेज के एलमनी होते हैं। तो जो एलमनी है उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता, तो एकेडमिक्स भी उसके लिए ख़राब होता है। साथ में ये तो 50% वाला केस तो कोर ब्रांचेस के लिए है, जो नॉन कोर है उसमें तो आपको और भी आप मान के चलिए 70% टीचर आपको एडहॉक के देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर केस और थोड़ा बेकार आपको देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा, जितने भी टीचर्स जो परमानेंट हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड है, क्योंकि उनकी जो स्क्रीनिंग हुई थी, उनके जो रिक्वायरमेंट, उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ था उस प्रोसेस में, वो उन्होंने पहले MTech किया है, वो भी रेपुटेटेड कॉलेज से, IIT या NIT से, फिर उसके बाद वो CGPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो इस कॉलेज की फैकल्टी के लिए हुआ है। तो ये जो स्क्रीनिंग हुई है उसके थ्रू काफ़ी आपको अच्छे अच्छे टीचर्स देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी जो टीचर्स हैं वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ये तीनों GCs का केस है ना, अगर आप तीनों GCs के वीडियो देखेंगे, मैंने तीनों GCs के लिए इस पॉइंट को कवर किया है। अब यहाँ पर मेरे को एक बात समझ नहीं आता कि जो टेम्परेरी टीचर्स हैं उनके जगह में परमानेंट टीचर कॉलेज को प्रोवाइड करा देना चाहिए, बिकॉज टेक्यूब 3 प्रोग्राम के थ्रू नए फैकल्टीज़ का भी यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो किया जा रहा है, उसके थ्रू आपको नए अच्छे टीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ सालों में कॉलेज कोशिश कर रही है कि कुछ सालों में आपको जो टोटल फैकल्टीज़ है वो परमानेंट देखने को मिल जाएंगे। टेक्यूब दैट मीन्स टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है, उसके थ्रू अभी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तो आई थिंक कुछ समय में जो टोटल फैकल्टीज हैं वो आपको परमानेंट देखने को मिल जाएंगे। अब जो फी स्ट्रक्चर है वो तीनों GCs के लिए सेम है, बिकॉज तीनों GC ही हैं और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। तो आपको जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके लिए 72,000 टोटल, जैसे कि आप देख सकते हैं 18-18 पर ईयर, और लेटरल वालों के लिए 56,000 आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो फॉर स्टूडेंट रेजिडिंग इन कॉलेज कैंपस इंस्टीट्यूट हैव 3 हॉस्टल्स, 3 हॉस्टल आपके दे दिए जाते हैं, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल्स। तो जो बॉयज़ है उसमें जो सीनियर हॉस्टल है उसकी 288, दैट मीन्स 288 की कैपेसिटी रहने वाली है। सेपरेट जूनियर हॉस्टल विथ 144 की कैपेसिटी रहने वाली है, जैसे कि सीनियर हॉस्टल अलग है, जूनियर हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल में उन दोनों की कैपेसिटीज रिस्पेक्टिवली है। साथ में एक गर्ल्स हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा जिसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिलने वाली है 216, ठीक है। तो आपको 2 बॉयज़ हॉस्टल, 1 गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें कि जो बॉयज़ हॉस्टल है
उसमें सीनियर और जूनियर का अलग अलग हॉस्टल है, और यहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें आपको एक ही हॉस्टल देखने को मिलेगा जिसमें सीनियर जूनियर एक साथ रह पाएंगे। देन द हॉस्टल एरियाज इज सराउंडेड विद द लश ग्रीन गार्डन प्ले ग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि आपको हॉस्टल एरिया के बाहर में एक ग्रीनरी देखने को मिलेगी, साथ में जो पूरा पार्ट है जो कैंपस है वो पूरी तरह से ग्रीन है, दैट मीन्स बहुत सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। और प्ले ग्राउंड हर हॉस्टल में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, सेपरेट रीडिंग रूम, जिमनेजियम रूम, टीवी, डाइनिंग हॉल विथ मेस आपको सारे हॉस्टल्स में प्रोवाइड किए गए हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कोई ना कोई फैकल्टी आपको कॉलेज की फैकल्टी देखने को मिलेंगे, साथ में केयर टेकर और मैट्रॉन भी अलग से कॉलेज के लिए सॉरी हॉस्टल्स के लिए प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो कि मैनेज करते हैं डे टू डे अफेयर्स के बारे में। अब अलॉटमेंट जो होता है वो डबल और ट्रिपल वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। बच्चे अगर आपको मिल पा रहे हैं डबल या ट्रिपल शेयरिंग के लिए तो फिर शेयर करा दिया जाता है, जनरली दो ही बच्चे एक साथ रह पाएंगे। नॉट हॉस्टल इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, अब हॉस्टल सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, आप अगर बाहर में भी रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। यूनिवर्सिटी में जो डिस्काउंट्स है वो भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं STSC OBC वालों के लिए या EWS वालों के लिए, तो उसके लिए भी आप वहाँ बात कर पाएंगे। नो मैंडेटरी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं, आप सिविल ड्रेस में भी जा सकते, आप वहीं वही वाली बात है कि PG या तो फिर दूसरे हॉस्टल्स को भी रेंट में लेकर रह पाएंगे। अब यहाँ पर मॉड ऑफ एडमिशन की बात करें तो दूसरे GCs की तरह ही सेम आइडेंटिकल आपको रिक्वायरमेंट्स लगने वाले। आपका 10+2 है, जो आपका 12th है वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर करना होगा, साथ में आपका जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है वो सारे तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 45% से ऊपर होना चाहिए जनरल के लिए, और 40% से ऊपर रहना चाहिए STSC OBC PWD कैंडिडेट के लिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है वो आपके CGPAT के थ्रू या JEE मेंस के थ्रू यहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। तो JEE अगर मेंस में आप 100 तक ले आते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और PET की बात हम आगे कट ऑफ वाले सेक्शन में करेंगे। जो कोटा है यहाँ पर वो ऑल इंडिया कोटा नहीं लागू होता, जो जो स्टेट कोटा है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो आपको यहाँ पर एडमिशन आसानी से मिल सकता है। अब अगर हम लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री दैट मीन्स आप अगर किसी दूसरे संस्थान से डिप्लोमा करके आते हैं तो अभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपने जो जिस संस्थान से डिप्लोमा किया है वो AICTE के थ्रू, साथ में कुछ रूल्स आपके CGDT के यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि आपका 50% से ऊपर एवरेज परसेंटाइल होना चाहिए, और आपको जो एडमिशन मिलेगा वो थर्ड सेमेस्टर के से मिल पाएगा, वो जो कि नॉर्मल एक प्रोसीजर है। आपका जो एडमिशन है वो थर्ड सेम से देखने को मिलेगा। अब BSc के स्टूडेंट भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अब जो BSc के स्टूडेंट हैं, अब यहाँ पर एक आपको प्लस पॉइंट ये देखने को मिलेगा तीनों GCs में कि जो जितने भी BSc वाले स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़कर आए हैं उनका 50% से ऊपर है परसेंटाइल, तो वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो कॉमन प्रोसीजर है काउंसलिंग का उसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि द स्टूडेंट एडमिटेड आर रिक्वायर्ड टू क्लियर फाउंडेशन सब्जेक्ट, दैट मीन्स कुछ फाउंडेशन आपके सब्जेक्ट के एग्जाम दिलाने पड़ेंगे थर्ड सेम में आने के बाद, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेम में एडमिशन मिल पाएगा। अब अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो जो कुछ परसेंट सीटें हैं वो दूसरे STSC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाती है कि SC के लिए 12%, 32 ST के लिए, और 14% जो टोटल सीटें हैं वो OBC के लिए रिजर्व आपको देखने को मिलेगी। फिर बाकी जो 42 हैं वो आपको अनरिजर्व देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल कैटेगरी के या बाकी दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट आकर एडमिशन आसानी से ले पाएंगे। अब यहाँ पर जो एज है वो आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स जनरल के लिए और 33 ईयर्स STSC OBC फीमेल और PWD के वालों के लिए देखने को मिल जाता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS के हैं या तो फिर OBC या STSC के कैंडिडेट हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रीवियस इंस्टीट्यूट का लाकर दिखाना पड़ेगा, गैप अगर आपने गैप ली है तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जो कॉलेज या तो फिर जहां आपने पहले पढ़ाई की वहां से आपको मिल जाएगी, आधार सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th 12th के मार्कशीट, और जो CGPAT या तो JEE मेंस का जो स्कोर कार्ड है उसको सबमिट करना पड़ेगा, देन आपका जो नॉर्मल प्रोसीजर चालू हो जाता है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। राउंड वन और राउंड टू के कट ऑफ जो है 2018 के वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको लेबोरेटरीज की पूरी जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल साइट में भी जाकर देख पाएंगे। तो लैब्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं मैंने यहाँ पर शो कर दिए हैं रिस्पेक्टेड देयर ब्रांच, तो आप साइट में भी जाकर पूरी तरह से हर एक एक डिस्क्रिप्शन ले पाएंगे। अब अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो जो
जनरल आपको कैटेगरी वाले लोग को कोई स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कराया जाता, EWS वालों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी आपके स्पेसिफिक ब्रांच के ऊपर। जैसे कि अगर आपने टॉप 5 ओपनर्स हैं, जैसे कि अगर आप टॉप 5 ब्रांच ओपनर्स हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की आपकी जो टोटल स्टडी है वो आपको करा दी जाती है। ये आपके SC ST जनरल या तो फिर OBC कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ, बशर्ते आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर या तो फिर जनरल हैं, वो EWS के होने चाहिए। फिर ST SC आपके तो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं के थ्रू पूरा कर दिया जाता है। OBC के लिए आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो आपको मिलेगा 21,000, बशर्ते आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर और EWS जनरल के लिए होने चाहिए। अब अगर OBC की बात करें तो अब स्कॉलरशिप जो मिलता है वो OBC के लिए है 21,000 और ST SC के लिए 25,000 पर ईयर। अब जो हॉस्टलर हैं उनके लिए OBC अगर वो हैं तो 24,000 और ST SC को 28,000 का आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, जो कि मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि आप जब हॉस्टल में नहीं रहते तो आपका स्कॉलरशिप कम है, और हॉस्टल में जाकर अगर आपने एडमिशन ली तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ जाता है। तो मेरे को उसका थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों वहाँ देखने को मिलता है। आपको जो एक्टिविटीज़ के नाम पर यहाँ पर आपको स्टार्टअप का एटमोसफियर देखने को मिलेगा, जो तीनों GCs से आपको अच्छा देखने को मिलेगा इस कॉलेज में स्पेसिफिकली। क्योंकि इस कॉलेज में आपको जो इनिशियल स्टेज पर जो मदद की जाती है वो तीनों GCs की अपेक्षा में अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, तीनों GCs के अपेक्षा में इस GC में थोड़ा बढ़िया है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट जो होता है वो भी आपको कराया जाता है। वो 3 दिनों का एक गेम्स होगा जिसमें जो नॉर्मल जो गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या फिर आपके वॉलीबॉल, वो सब कंडक्ट कराए जाते हैं। कॉलेज क्लब्स बहुत कम है नाम कॉलेज क्लब्स के नाम पे। यहाँ पर आपको NCC या तो दूसरे छोटे मोटे क्लब्स ही देखने को मिलेंगे, बहुत आपको बड़ा कोई सीनरियो यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। वर्कशॉप, हाँ वर्कशॉप तीनों GCs की अपेक्षा में यहाँ ज़्यादा वर्कशॉप कराया जाता है। डे टू डे आपके हर मंथ में 1 से 2 वर्कशॉप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। बाहर से आकर कुछ कंपनीज या तो फिर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कंपनीज भी यहाँ पर काफ़ी वर्कशॉप करती है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी आपको मिलता है कि यहाँ वर्कशॉप थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। टेक अब यहाँ पर टेक फेस्ट के नाम पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, टेक फेस्ट कंडक्ट ही नहीं कराया जाता। टेक्निकल कॉलेज है फिर भी यहाँ पर टेक फेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर आपने एडमिशन लिया है तो। दूसरे कॉलेज में तो एटलीस्ट टेक फेस्ट होता है जो एनुअल डे की तरह होता है, पर होता तो है, पर यहाँ पर आपको वो भी देखने को नहीं मिलता। NCC जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, एक NCC वाला एटमोसफियर यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है, एक अच्छा आपको देखने को मिल जाता है इस कॉलेज में। अब अगर हम बात करें एलमनीस की, तो एलमनी के साथ जो रिलेशन है इस कॉलेज में वो काफ़ी फालतू आपको देखने को मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एलमनी मीट साल में 1-2 बार कंडक्ट कराया जाता है यहाँ, जो भी एकदम अच्छा नहीं होता, क्योंकि एलमनीस आते ही नहीं हैं। बहुत अच्छा आपको एक एटमॉस्फियर एलमनी से रिलेटेड रिलेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, जो कि तीनों GCs की बात है। तीनों GCs में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। रेयर एलमनी मीट प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड, बहुत कम प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट आपको इस कॉलेज में ना के बराबर देखने को मिलेगा। दूसरे कॉलेज में तो एटलीस्ट होता भी है, भले 100 कंपनी नहीं पर लेकिन 10 कंपनी आती है, और इस कॉलेज में आपको एक भी कंपनी देखने को नहीं मिलेगी, और वो भी अचानक से आ जाएगी। तो 2-4 सालों में 1-2 कंपनी आती हैं, 2-5 बच्चों को उठा कर जाती है, वो भी आपको जो प्लेसमेंट के लिए जो पैकेज देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी फालतू सा पैकेज रहता है। मुश्किल से आपको 10 से 15 हज़ार के जॉब लगने वाले हैं, वो भी IT या सॉफ्टवेयर ब्रांचेस में। ओके, एडवांटेज क्या क्या है यहाँ पढ़ने के? तो एडवांटेज के नाम पर आपको कम फीस में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। या तीन ही टाइप के बच्चे जनरली एडमिशन लेते हैं, जिनको GC में ही जाना होता है या जिनका परसेंटाइल बहुत अच्छा जाता है तो वो GC में जाने का मन बनाते हैं, या फिर जिन बच्चों का बजट टाइट होता है वो बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपके रिक्वायरमेंट्स इन सारी बातों से मैच करते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। साथ में इस कॉलेज में एडमिशन लेना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको जो काउंसलिंग है वहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कराना पड़ेगा खुद को, तो आपको एटलीस्ट CGPT में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा या तो फिर JEE Mains में लाना पड़ेगा। फॉर फोर्थ ईयर स्टूडेंट गेट और अदर एग्जाम्स प्रिपरेशन आर गिवन टू देम। हाँ, अब जो बात है यहाँ पर कि जो लास्ट ईयर के बंदे हैं,
जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनको यहाँ पर गेट या तो फिर अदर एग्जाम्स के प्रिपरेशन की सुविधा प्रोवाइड करा दी जाती है लास्ट ईयर में, या आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में रहे तब भी जाकर अटेंड कर सकते हैं। फैकल्टीज आर फ्यू बट वेरी नाइसली एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने दूसरे कॉलेजेस के प्लस पॉइंट में भी बताया था कि जीसीस में फैकल्टीज कम होते हैं पर जो भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो उनसे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं। फ्री बुक्स एंड नेटवर्क अवेलेबल, फ्री बुक्स दैट मीन्स आपको जो एकेडमिक्स के लिए, आपको जो आपके नॉर्मल सेशंस लगते हैं उसके लिए जो जितने भी बुक्स आपको चाहिए होते हैं वो कॉलेज से ही प्रोवाइड कर जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ द बुक्स जस्ट लाइक 90% बुक आपको कॉलेज से ही मिल जाएंगे, आप बाहर से खरीदने नहीं पड़ते, तो वो भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है जिसके लिए आपको कोई फी पेमेंट नहीं करना है। आप उसको जब तक रहना चाहते हैं तब तक रख सकते हैं, बस आपको जाने जाते समय नो ड्यूज के टाइम आपको उसको जमा करना जरूरी है। ग्रीवेंस सिस्टम है, ग्रीवेंस सिस्टम दैट मीन्स आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप यहाँ पर नोटिफाई करा सकते हैं जिसके थ्रू प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व करा दिए जाते हैं। साथ में ये कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट टाइप, अगर आपको चाहिए आपके सर्टिफिकेट में तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते उस गवर्नमेंट टाइप का आपको आगे जाकर फ़ायदा होना चाहिए। और अब अगर आप इस कॉलेज की डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको इस कॉलेज में प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो आपकी मर्जी है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो बिल्कुल मत लीजिए। एक्सपोजर ना के बराबर है, जो एक्टिविटीज़ है वो भी एकदम थर्ड क्लास एक्टिविटीज़ है, क्योंकि आपको जो एक्सपोजर मिलता है एक्टिविटीज़ में वो ही एक्टिविटीज़ ही नहीं करा जाती, तो एक्सपोजर में नहीं मिलता आपको, एक फील भी नहीं आता कि आप एक टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज अथॉरिटीज़ नॉट दैट गुड एज देट हैव टू बी, मतलब कॉलेज अथॉरिटीज़ भी मदद नहीं करती, उनके अंदर एक अकड़ है अलग सा जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाला। नो एलुमनी इंटरेक्शन जिसकी मैंने बताया, और लिविंग लाइक 90s, दैट मीन्स लाइक 90s का मतलब क्या है कि सुविधा रहते हुए भी आपको यहाँ पर फ़ायदा उसका देखने को नहीं मिलेगा, तो भी एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपके पैसे आते हैं कॉलेज में गवर्नमेंट के थ्रू पर उनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता, आपको लैब्स में बहुत अच्छे एक टेक्निकल एजुकेटर नहीं मिलते जिसके थ्रू आप वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें, तो बातें ये है कि आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता जबकि वो करवा सकते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा है कि लिविंग लाइन 90s। अगर कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपको IIT, NIT और IIIT नहीं मिलता छत्तीसगढ़ में तो आप बेशक एडमिशन यहाँ ले पाएंगे, पर आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, जो जिस रिक्वायरमेंट के लिए मैंने थोड़े पहले बात किया है कि आपको कम फीस में कॉलेज चाहिए, या तो फिर आपको एक गवर्नमेंट टैग चाहिए अपने डिग्री में, अदरवाइज़ ये जो कॉलेज है वो आपको अच्छा तो देखने को मिलता है पर प्लेसमेंट की उम्मीद आप ना ही करिए इस कॉलेज से तो अच्छा रहेगा। तो अगर मेरे को इस कॉलेज को रेटिंग देनी होगी, रैंकिंग देनी होगी, तो मैं इसको कॉलेज को दूंगा बी बी प्लस की रैंकिंग, ठीक है बी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के आगे भी कंटेंट देखने को मिल पाए। साथ में इसी तरह मैंने पांचों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया, आप उसको जाकर आसानी से देख पाएंगे, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपको किसी GC में एडमिशन लेना है। तो मैंने वाइडली सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया है, तो उसको भी आप जाकर देख पाएंगे। तो मेरा आपके लिए सजेशन ये भी रहेगा कि आपको इस वीडियो के बाद खुद रिसर्च कर लेनी चाहिए ताकि आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज को चूज़ कर पाए एटलीस्ट। तो इस वीडियो से अगर आपको अच्छी जानकारी मिल पाई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस को भी देखते रहिएगा। इस साथ में अगर आपके कुछ और क्वारीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।